हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स इसने आज ऑटो सेक्टर को, ठीक है, और मार्केट को पूरा फोड़ के रख दिया। क्यों फोड़ के रख दिया दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होते देखने को मिला। लगभग दोस्तों 9% की तेज़ी और करीबन 11.25 करोड़ क्वांटिटी का वॉल्यूम, मतलब पूरे इन्वेस्टर का जो अट्रैक्शन है आज टाटा मोटर्स ने अपने तरफ खींच लिया। क्यों खींचा, ये कितना बड़ा रीज़न था दोस्तों, जो स्टॉक इतना भागा एक सिंगल दिन में, ठीक है, और इतना सडनली भागा कि स्टॉक 450 रुपये का लेवल भी क्रॉस करके अपने सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये रीज़न आज हम फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या रीज़न है स्टॉक में इतनी तेज़ी का। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है। अभी तक आप लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस से भरा हुआ दोस्तों टेक्निक जो इंट्राडे की टिप्स वाला वीडियो वहाँ पर आता है, जहाँ पर आप दोस्तों वीडियो को देख के ट्रेडिंग स्किल भी बढ़ा सकते हो और दोस्तों अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो जाके फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए जो न्यूज़ है ना, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो NDTV की साइट के ऊपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ, यहाँ पर ये आज का अपडेट है। टाटा मोटर गेन ओवर 9% आफ्टर कंपनी से ऑर्डर बुक एट रिकॉर्ड लेवल, ठीक है। इतना देख के तो आप लोगों को अंदर मन में काफ़ी अच्छा देखने को मिला होगा कि टाटा मोटर्स आज 9% भागा। क्यों, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आई। क्या रिपोर्ट निकल के आई, उन्होंने बोला कि ऑर्डर बुक जो है ना वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। अब आप बोलोगे इतनी कितनी रिकॉर्ड वो इन्होंने मतलब सेल्स कर दी, अनएक्सपेक्टेड सेल कर दी। अब आप बोलोगे कि अभी तो सेमी कंडक्टर की कंडीशन थी, मुझे तो कार मिली नहीं टाटा मोटर्स की तरफ से, और ये बोल रहे कि हमने रिकॉर्ड लेवल पर सेल्स कर दी। तो दोस्तों नीचे देखते हैं कि किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा मोमेंटम। अपडेशन आप देख सकते हो, तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्या शेयर ऑफ पेरेंट्स ऑफ लग्जरी कार मेकर जेक्वार एंड लैंड रोवर, ठीक है, जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है किसका, टाटा मोटर्स का, ठीक है। 80% कंपनी आप बोल सकते हो टाटा मोटर्स की JLR से ही चलती है, क्योंकि पेरेंट लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो। रोज आज मतलब 9% चढ़ा, फ्रेश 52 वीक का नया हाई मारा। क्यों मारा दोस्तों, क्योंकि इनके तरफ से द कंपनी इन्फॉर्म एक्सचेंज, मतलब दोस्तों कंपनी ने एक्सचेंज मतलब पूरे मार्केट को बताया कि जो हमारे JLR की जो डिमांड है वो बढ़ते देखने को मिल रही है, मतलब और ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों कस्टमर JLR के तरफ से, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग होते देखने को मिल रहा है, जो इनकी ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। जब अगर मान लीजिए ऑर्डर बुक मजबूत हो जाती है ना, ठीक है, तो कंपनी वहाँ पर अनुमान लगा लेती है कि मेरा इतना तो सेल्स ग्रोथ होने ही वाला है। तो कंपनी ने दोस्तों यही जब सामने रख दिया, ठीक है, ये पूरा सामने रख दिया, तो अनुमान लग जाना चाहिए कि अब कंपनी के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब दोस्तों जो इनके प्रोडक्ट है उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, ठीक है, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग होती जा रही है, रिकॉर्ड लेवल पे जाके खड़ी हो चुकी है, तो हमारे लिए और क्या बात होना चाहिए। अब देखिए, रिटेल सेल्स ऑफ जेक्वार एंड लैंड रोवर ऑफ 3 मंथ एंडेड सितंबर 2020, मतलब दोस्तों जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने का इन्होंने नंबर पेश किया है, किसका, JLR का, ठीक है। और इनका तो बोलना यही है कि जो अभी इंपैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, मतलब दोस्तों पूरे ऑटो सेक्टर, पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, चाहे हम मैं बात करता हूँ अपने देश की या विदेश की या पूरे ग्लोबल की, वहाँ पर सेमीकंडक्टर का दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसका तो शॉर्टेज आ ही रहा है, उससे सभी ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ डैमेज हो रही है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी की ये चीज़ मजबूत हो जाती है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड, तो यहाँ पर कंपनी के अंदर धमाका होना तो कन्फर्म था ही। अब अगर हम रिटेल सेल्स की बात करें तो देखिए, रिटेल सेल्स ऑफ द सेकेंड क्वार्टर एंडिंग, मतलब दोस्तों यही 3 महीने का इन्होंने नंबर पेश किया है, ठीक है, मतलब जो JLR का इनका जो रिटेल सेल्स है वो कितना हुआ दोस्तों, 92,710
व्हीकल्स 92,710, मतलब यहाँ पर व्हीकल्स यूनिट आप बोल सकते हो ये बिकी है, ठीक है। 18.4% कितना, 18.4% लोअर देन, मतलब दोस्तों तो उसमें तो गिरावट देखने को मिल रही है सालाना तौर पे। लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर इन्होंने क्वार्टर सेकंड का नंबर पेश किया था, जब उनके पास 133,556 यूनिट वहाँ पर सेल्स हुई थी, और आज की डेट में उन्होंने जब नंबर दिया तो यहाँ पर तो 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी दोस्तों स्टॉक में 10% का धमाका होते देखने को मिल रहा, और अपने देश की बात नहीं है दोस्तों, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे लोअर ईयर ऑन ईयर, मोस्ट इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, मतलब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहाँ पर भी 15.5% की गिरावट। चाइना बहुत बड़ा यहाँ पर इंपैक्ट, 6.5%। यूरोपियन 17% की गिरावट। यूके 47.5% की गिरावट। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरे ग्लोबली मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों इनकी सेल्स ग्रोथ में, तो भी स्टॉक भागा। अब यहाँ पर ट्रेडर्स क्या करेगा, इन्वेस्टर क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, इन्होंने डाटा गलत पेश किया तो भी यहाँ पर दोस्तों स्टॉक भागा, कोई ऑपरेटर तो नहीं बैठ गया हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है, स्टडी करें या ना करें, बहुत सारा दिमाग लगाने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को थिंक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो आ ही नहीं रही। क्या, जब इन्होंने क्वार्टर नंबर फर्स्ट पेश किया था, ठीक है, तभी इन्होंने सामने आके बोल दिया था कि मेरा क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट बेकार आने वाला है, क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट बेकार आने वाला है, ठीक है। जब इस अच्छाई को देखा जाता है मार्केट में, ठीक है, तो वो अच्छाई के बदले हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। अगर मान लीजिए ये नहीं अपडेट करते और ये से नंबर पेश करते, तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी से कि स्टॉक अभी 100 रुपये पे आ जाता, ठीक है, और भारी भरकम लॉस होता। लेकिन इन्होंने एक समझदारी दिखाई क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट से पहले। जब आप लोगों को पता होगा, जब इन्होंने जो बोला कि सेमीकंडक्टर के कारण हमारा क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट इस प्रकार से आएगा, ठीक है, उससे पहले राकेश झुनझुनवाला जी प्रॉफिट बुक करके निकल गए, ठीक है। आधे इन्वेस्टर वहाँ पर घबरा गए थे, आधे इन्वेस्टर यहाँ पर घबरा गए थे, ठीक है, लेकिन जो बचे थे आज उनको प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझदारी दिखाने के बाद दोस्तों एक अच्छी चीज़ है। आज यहाँ पर ट्रेडर्स इसलिए इन्वेस्टर खुश है क्योंकि दोस्तों अदर चीज़ यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट होते जा रही है। सेल्स ग्रोथ चाहे गिरी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पूरे ग्लोबली मार्केट का मूल इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जो माहौल है ना वो इस प्रकार से। जब मान लीजिए जब ये सेमीकंडक्टर का जो कंडीशन है वो सुधर जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेल्स ग्रोथ है ना ये फाड़ के रख देगा, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से फाड़ के रख देगा। जो नंबर्स आपको ये दिख रहे हैं ना, यहाँ से हो सकता है कि 10 गुना ज़्यादा नंबर देखने को मिले। तो इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लेके चलेगा, जो इन्होंने समझदारी दिखाई ना ये अपने शेयर होल्डर के लिए और अपनी कंपनी के लिए दिखाई, ठीक है। बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है, अपने नंबर छुपा लेती है, बहुत सारी बैंक अपना NPA छुपा लेती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने साफ साफ तरीके से बोल दिया है, अगर वैसा ही हुआ ना तो दोस्तों शेयर को कुछ भी नहीं होगा। उस समय आप लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर्स की कंडीशन बिगड़ गई थी, लोअर सर्किट पर भी ट्रेड किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद आप देखिए कितनी खतरनाक तरीके से रिकवरी होते देखने को मिल रही है। तो आप खुद से भी अपना है ना स्टडी प्रॉपर तरीके से करके चलिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों JLR के जो चीफ है, चीफ ऑफिसर है, ठीक है, उन्होंने भी दिल को राहत करने वाली बात बताई है, ठीक है। क्या बताइए दोस्तों, द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई इशू, मतलब दोस्तों ये पूरे ग्लोबल मार्केट में ही इस प्रकार से कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन दोस्तों नियर टर्म में चैलेंज भरा इनके पास एक, आप बोल सकते हो कि चैलेंज भरा मौका आया है कि हमको ये चैलेंज को किस प्रकार से फेस कर सके, ठीक है, फॉर द इंडस्ट्री। मतलब दोस्तों एक कंपनी के, एक सिंगल कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है दोस्तों ये चैलेंज आया है, ये पूरी इंडस्ट्री मतलब पूरे ऑटो सेक्टर के लिए आया है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो टेक टाइम टू वर्क थ्रू, मतलब दोस्तों इनका काम फिर भी चालू रहेगा। जहां दोस्तों इनकी 1,000 गाड़ी की बुकिंग है, वहां ये हो सकता है कि दोस्तों 900 गाड़ी ही बुक मतलब सेल कर पाए, 100 गाड़ी फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो इशू है वो हमें देखने को मिल रहा है। इनको टाइम दिया तो दोस्तों मान लीजिए 1 महीने बाद, तो हो सकता है कि इनको 3 महीने बाद कार डिलीवर कर पाए, तो ये चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है लो दोस्तों, ठीक है। और इनका जो बोलने का तरीका है वो आप देखिए कि जो हमारा ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रोथ, जो द लैंड लोवर डिफेंस, मतलब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है इनका, ठीक है, वो एकदम शानदार रिकॉर्ड कर रहा है। क्या रिकॉर्ड कंपनी ऑर्डर बुक, मतलब कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी कंडीशन में बढ़ते देखने को मिल रही है। जो डिमांड इनके प्रोडक्ट की बहुत शानदार देखने को मिल रही है। जो इन्होंने चीज़ें बताई वो एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल पर देखने को मिल रही है। सेमीकंडक्टर का जो रिकवरी
होगा जब तो यहाँ पर एकदम धमाका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब तक मार्केट वेट नहीं करेगा कि सेमी कंडक्टर का रिकवरी कब तक होगा, लेकिन मार्केट इनकी बातों को समझते चल रहा है, ठीक है, और इसी बीच में ही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। अगर यहाँ पर अभी ये कुछ भी बात ऐसी नहीं बताते, ठीक है, वो पूरी मार्केट को पता चलती कि अपने आप, ठीक है, तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट होती, लेकिन ये सबसे आगे है, इन्होंने सबसे अच्छी बात बताई और आज यहाँ पर धमाका होते देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने वो यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन एक और अपडेट आया है ICICI डायरेक्ट की तरफ से। क्या टारगेट कितने का? 450 रुपये का। ये बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, 450 ज़्यादा दूर तो वैसे खैर है नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि पहले ऑटो सेक्टर बूम था, 2008 में कंडीशन बिगड़ी, लेकिन फिर रिकवरी हुई और फिर पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक ने कंडीशन पूरी बेकार की, फिर जैसे तैसे करके कंपनियाँ सर्वाइवल करी, रिकवरी करी, और इस बीच में बहुत सारी ऑटो कंपनियाँ बंद भी होते देखने को मिली, कर्जे के कारण डूबते हुए भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स जहाँ 75 रुपये का स्टॉक था, वो आज 450 रुपये के आसपास आके कर रहा है। आप देख सकते हो लगभग दोस्तों 417 रुपये 80 पैसे पे स्टॉक क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। लास्ट 5 दिन में अगर आप देखेंगे 21% की तेजी दिखा चुका है। ये एकदम धमाकेदार अपडेट है। इससे दोस्तों मार्केट कैप जो है ना, वो उसमें भी बहुत शानदार इंप्रूवमेंट होते देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर अपना स्टडी करिए टाटा मोटर्स पे। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्रॉपर आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। जो आज की तेजी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था, वो हमने आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का अपडेट लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।